इस करके शहीद की कौम के उत्ते वक् वक् समय के उत्ते साड़ी कौम ते कई मेहने ने। अज जो असी सिर देने की गल की है क्यों करनी पई है गल, बड़े कौम के जड़े ऐसे बंदे ने जिहड़े कौम दे विच कुर्सियां ते सवार होके बैठे ने, लम्मा समा हो गया जिन्हां कौम नूं अपनी जगीर समझिया, जिहड़े समझदे ने भी कौम उन्हां दी कोई प्रॉपर्टी है कोई जदाद है, जिथे जी करदा वरत लैण, जिथे जी करदा किसी नूं दे देण, उन्हां बंदियां नूं बड़ा इतराज़ होया भी इक कल दा जवान आया है, उह कल दा जवाक कहिंदे ने भी उहने आउंदिआं सिर देण दी गल कीती है। पहली ते गल इह है भी शायद इहनां ने अमृत दी परिभाषा नहीं पढ़ी, शायद इन्हों नूं इह नहीं पता खंडे पाटी की पौल की परिभाषा की है। महाराज ने कहा जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर धर तली गली मेरी आओ। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा भी जिन्हों प्रेम की खेड खेडन का चाह आ वह सीस तली धर के मेरी गली च आओ। तो इस करके सीस ते मंगिया गुरु साहब ने, इन्हां ने क्योंकि 20 साल हो गए ने हुकूमतां दे नाल गंढ धुप करके हुकूमत नाल समझौते करके, तो जो अपनी कुर्सी बचाउणी सी इन्हां नूं इह गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। जिहड़े मेहणे शहीद दर्शन सिंह फिरू मान दे मौके साडी कौम नूं वजदे सी भी सिख घसियारे हो गए आ, सिखां दा इतिहास झूठा है, अज सानूं उहो मेहणे वज रहे आ दुबारा। इत्थे कोई दुखी दा पासपोर्ट उठदा है उह गुरू नूं शैतान कहि जांदा, कोई बोलदा नहीं। जे असीं जवाब दित्ता है ते जथेदारां ने क्यों साडे हक दी गल करन दी बजाए साडे विरोध च बयान दे दित्ते, ते उहनां नूं जिहड़ा उहनां दा बचाव कीता भी सानूं आ नहीं बोलना चाहीदा। 20 साल हो गए सानू सुनदिआं नूं कोई नहीं उठिया, ते जदों हुण किसे ने गल कीती है ते अपनी कौम दे बहुते बंदिआं दा हाल इह आ कि उहनां अपने बंदे दा विरोध करदा। साडे इक कहावत है भी जदों लड़ाई लग जावे, जदों दो कौमां भिड़ पैण जां दो धिरां दी लड़ाई भिड़ जावे, ते अपने बंदे नूं जफ़ा पाउण वाला बंदा सब तों वड्डा गुनहगार हुंदा है। उस मौके ते अपने बंदे दी गलती की है गुनाह की है यह नहीं वेखीदा, ये दोवां कौमां दा भेड़ है, ये जो तुसीं दूजी ते रल जा के खड़ोगे तो किड्डा वड्डे गुनाह वाली गल है। पर साढ़े गुनाह एक बंदे ने नहीं किया, असी तो चलो तमाशा ही वेख रहे हैं अजे तक कि कोई असी तो इस इंतजार जो भी हो रह ना जाए जिन्हें साडा विरोध करना अजे बाकी, उन्होंने भी खुला मौका भी तुसीं भी रांझा राजी कर लो जिहड़ा करना है। पर यह गल पहले दिन जिदन सवाल आया भी भाई सिर देने पैने गुरु नूं, चंगे भले बंदे घबरा के भी यह कि गल कर दी, यदि स्टेट सवेरे तुहानूं नप लूगी, स्टेट ऐं कर दूगी यों कर दूगी, जिहड़ा हुकूमत ने डर पैदा किया साढ़े मनां दे, इन्ना भय है हुकूमत का भी गुरु के अमृत की व्याख्या करनी गुनाह बन गई, इन्ना भय है। तो वह मैनू अगले दिन मेरे ते सवाल खड़ा हो गया कि मैनू कहिंदे भी तुसीं हुण यह कह दिओ भी ये असीं गुरु नूं मत देण दी गल कीती आ, आसीस देण दी गल नहीं कीती, भी तुसीं इस तरीके नाल भी व्याख्या कर दिओ ते तां तुहाडा बचाव हो जाऊगा। मैं अगले दिन जदों समागम च गया ते मैं गल नूं बड़ा स्पष्ट तरीके नाल कहा भी मत ते गुरु नूं देती है, जदों मत जिहनूं दे दईए ते मगरों सिर दा की करना, जिहनूं आत्मा सौंप दईए ते मगरों लोस दा की करना, शरीर दा इहनूं की लई फिरना है। ते यह मैं गल दुबारा स्पष्ट करदा जिन्हां नूं सिर देण दी गल ते अजे भी शंका है, मैं ये गल कहना भी मत तो गुरु की है पर यह जिहड़ा सीस है शरीर रूपी यह भी गुरु का है, जिदन लोड़ पई पंथ नूं यह सिर देण दी यह भी देना। सो यह कोई भुलेखा ना मन च रखे भी मैं मत देण नूं कहा है। कई प्रचारक इत्थे उन्होंने तुकां दे अर्थ बदल दिते, वह कहिंदे ने भी गगन दवामा बाजियो परे निशाने काओ, खेत जो मंडियो सूरमा अब जूझण को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाडे खेत। वह कहिंदे ये तो मन की लड़ाई की गल हो रही, सूरमे पुरजा पुरजा कट के मर रहे ने, ते आखे जी मन की लड़ाई की गल हो रही। सो ऐसे विद्वानों नूं मेरा सवाल है भी जदों गुलामी इन्नी गहरी हो गई है भी सानू कल की भूतनी सिव्या जात वाली गल है, ये कल के पास्टर ने जिन्ना इस धरती की कोई कुरबानी नहीं की, जिन्ना इस धरती के लिए एक तुबका लहू नहीं डोलिया, जिन्हां दी चीची ते कोई फट नहीं लगा अज तक, वह साडे गुरु नूं इस धरती ते आण के शैतान कहण, आ जिहड़े कोई शिवसेना वाले कोई दूजे दूजे तुरे फिरदे ने ये साडे गुरुआं दे खिलाफ बोलण ते साडे प्रचारक चुप करके बैठे रहण, समा यह आ गया। ये तुसीं अपने आप नूं आजाद ना समझो बिल्कुल भी, समा की आ गया। ज्ञानी जसवंत सिंह मंजी साहब वाले ने कथा की वर्त दे उत्ते, छोटे अन्न करे पखंड ना ओ सुहागण ना ओ रंड, बाणी दे बचन ने उन्हें कथा कर दी कि लक्ष्मीकांत चावला वह औरत है जिन्हें दरबार साहब से हमला होया तो लड्डू वंडे सन, वह बीबी कहती भी ये केस करो भाई ये हिंदुओं कह रहा। तो अगे वो साढ़े कई प्रचारक वह कहते नहीं जी असं सिखा क्या हिंदुओं ने कुछ नहीं किया। एक पासे ये कहना भी गुरु का उपदेश चौं वर्णा सांझा,
एक पासे कहना भी गुरुद्वारे के चार दरवाजे ने सारे आ सकते हैं तो फिर सारे लंगर खाने आते हैं उत्थे। जे गुरु के घर का लंगर छकना है, गुरु के घर आके मत्था टेकना है तो फिर गुरु का उपदेश करने सिखा उन्होंने सारे ही है। गुरु जगत गुरु है, सृष्टि का गुरु है, वह उपदेश सिखा है, हिंदुओं है, मुसलमानों ईसाइयों भी है, वह चौ वर्णा भी उपदेश है, ब्राह्मण तो लैके शूद्र तक। सो इस करके डिफेंसिव नहीं होने की लड़ भी माड़ी जी कोई गल आए तो साढ़े बंदे आप ही डिफेंसिव होकर तुरे फिर भी भाई जी देखो असी आह गल नहीं की। जे गुरु की बाणी के उत्ते प्रचार करने पाबंदी लाती है, गुरु के साहबजादे ने कहा सी मुगल दरबार जाके मिट्टी मुसलमान की नू मिट्टी बईमान की कहता सी भी मुसलमान नाराज ना हो जाए, तो गुरु साहब ने अपने साहबजादे सारी उम्र मूँह नहीं देखा। सो अज जे असी गुरु का बाणी का प्रचार कर लगे इन्ने घबरा के करना है तो मेरे ख्याल के नाल सानू यह फिर मान लेना चाहिए भी गुलामी है, नहीं तो जे गुलामी ना हो अमृत छकाउण की गल करिए इनक्वायरियां खोलन ये किसी होर की इनक्वायरी नहीं खोली। अब रोज़ खबर नवी आ जाती है, अज कोई 16-17 साल का नौजवान चिट्टे ना मर गया। ये तुहाडे पिंड च तुसीं आप झाती मार लो भी एक मौका सी नौजवानों ने घर छटे अपने घर छड के हथियार चुके, हथियार चुक के हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ लहू डोलवा संघर्ष लड़िया, उहदे च शहीदियां प्राप्त कीतियां, अणख की मौत मरे ने। तो अज हर पिंड दे विच वेखो 5-7-10 नौजवान है कि ने जिहड़े खाड़कूवाद के संघर्ष के शहीदी प्राप्त कर गए, पर जिहड़े नशे नाल मरन वाले उन्हां दी गिणती वध गई है। तो जे कोई यह गल कहिंदा भी नसलकुशी नहीं रही जी, ये नसलकुशी कित्थे आ सानूं दिखाओ, उन्हां नूं यह पुछो भी नसलकुशी का मुख मकसद हुंदा कौम की नसल बदल देनी, कौम की आबादी नूं मार देना, कौम नूं अपनियां जड़ां नूं तोड़ देना, उन्हूं पछाण नूं तोड़ देना। तो जे हुकूमत का काम एक टीके एक सरिंज ना हुंदा गोली कदों चलाऊगी, ये तो सानू अकल होनी चाहिए है कि साड़ी नसलकुशी हो रही है, असी मन नू तैयार नहीं, पोतर जिहड़ा वा उहदा चेहरा प्यो नाल नहीं रलदा, दादे दा बिल्कुल उहदे नाल कोई मेल जोल नहीं, धियां भैणां साडियां कहण लग पईआं कि सानू सरदार मुंडे नहीं चाहिए। तो जे देखो ये नसलकुशी की निशानी तो होर की है, दुनिया के उत्ते कोई कौम ऐसी नहीं, मुसलमान जे कनेडा च गए अमरीका च गए उन्हां बीबिया ने अपना पहरावा कायम किया, संघर्ष किया, पहरावा कायम रखिया, साडियां धीआं भैणां इत्थे एयरपोर्ट तो ही मतलब अपना पहरावा छड्ड के तुर पैंदियां ने, एयरपोर्ट तो पहला ही जिहड़ा कोई कनेडा का वीजा दे पहला नाई को जाके वाल मूँह सिर मना के आउंदा ते फिर हो के तुरदा भी मैं फिर एयरपोर्ट नूं चढ़ना। सो इस करके ये नसलकुशी दीआं सारियां निशानियां ने, कोई गल पिछे नहीं रह गई। हुण नौजवानों ये गल साडे ते आण के खड़ गई है, पुरानी पीढ़ी ने संघर्ष किया, तो मैं इतने झूठ नहीं बोलना स्टेजा खड़ के जिमें कोई लोग बोली जाते हैं, मैं तुम्हें यह नहीं कहना कि कोई मुश्किल नहीं हैगी, गुलामी इन्नी गहरी है जी असी ना जाके तो साढ़े सिर के जुत्तियां मारनगे तो मारनगे कौन, जिन्होंने असी दिहाड़ी दे लियांदे सी स्टेशनों तो फड़ फड़ के भी साढ़े खेतों से काम करो, जिहड़े तंबाकू मूँह च ला के तुरे फिरते हैं वो साढ़े सिर चाण के जुत्तियां मारनगे, सानूं खाणियां पैणियां। एक घटना वापरी है मीए मिंड दे विच पिंड दे लागे मंडी च, बइयां ने रल के सिख मुंडे नूं कुटिया, उहदी दस्तार ला के अपने सिर ते बन ली, और जदों बन ली मगरों सिखां ने रल के बइयां नूं कुटता, ते जिन्हां ने भइए सदे सन उन्हां ने सिखां दे परचा करा दित्ता। इन्हां लोकां नूं दिहाड़ीदार जरूरी है, दस्तार जरूरी नहीं। सो इस करके मैं कल भी कहा सी कि आपां किहड़े हालातां च आण के खड़ गए, ते जे अजे भी तुहानूं किसे नूं गुलामी दा अहसास नहीं हुंदा, जे अजे भी तुहानूं लगदा कि नहीं कोई मुश्किल नहीं साढ़े उत्ते, तो फिर मेरे ख्याल नाल आपां चंगे डॉक्टर दा इलाज प्रबंध करिए। आ जिहड़ा कैंप लगना इत्थे, जिहड़ा बंदा कहिंदा भी सानूं अजे भी लगदा कोई फर्क है, जदों साडे मूहां ते दाड़ियां नहीं रहियां, जदों साडे सिरां ते दस्तारां नहीं रहियां, सिरां ते चुन्नियां नहीं रहियां, ते साडी नसल नहीं बदल गई, ते होर की होया, नसल की है। जे सिखां दे पुत नूं इह दसणा ही पै जाए मैं सिखां दा पुत आं, ते फिर उहदी नसल बदली ना होई ते की हो गया। सो इस करके होश करिए, जे होश नहीं करनी तो फिर साढ़े नाल जो कुछ वापर रहा है बहुता लम्मा समा साढ़े को है नहीं। ये ना सोचो गुरु ने बेशक वचन किए ने, जबलक खालसा रहे न्यारा तबलक तेज देऊं मैं सारा, जबे गए विपरण की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। खालसा जिन्ना चिर न्यारा है, जिन्ना चिर न्यारी हस्ती नूं कायम रखांगे उन्ना चिर ते गुरु साढ़े वल है। जिद्दर न्यारी हस्ती छड के विपर दे राह ते तुर पए ते न्यारी हस्ती च सब तो वड्डी की है पछाण है सिख दी, सब तो वड्डी पछाण है सिख दी भी सिख केसा धारी होवे, सिख शस्त्र धारी होवे, सिख दस्तार सजावे सोहणी, सिख बाणा पावे, ते ओह जिहड़ी पछाण अज किन्नियां दे कोल है। जे मैं तुहानूं पुछणा नौजवानों भी तुसीं तुहाडे हत्थ शस्त्र किहड़ा है, तुसीं शस्त्रहीण होए फिरदे जो,
असी जो शस्त्रहीन हो गए तो सानू आण के कोई भी हथ पा लैंदा। शेरां दे जिहड़े होंदे ना पंजे ते शेरां दे दंद जे उह गवा लैण ते फिर कहदा शिकार करना उहनां ने, कहदे नाल शिकार खेडणगे। सो ये जो महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की सी दूजिया कौमां नूं उहनां दे पीरां ने पैगंबरां ने कस्यारे बनाता भी मैं तुहाडा रखवाला वा, होर तुसीं राखी नहीं अपनी कर सकते। ते गुरु ने ते सानूं इह कहा भी मैनूं पिछे जे पुछदे सी इक होर बीबी जी आई सी भी तुहाडे गुरु ने की दिता, मैं कहा जी आह दिता। वह कहती भी साढ़े जीसू ने सानू नाम की तलवार दिती है। तो मैं उन्होंने कहा भी नाम की तलवार ना मैंने वढ के विखा माड़ा जहा है भी नाम की तलवार तो मानते हैं भी दिती हो सकती है, पर जिथे इस कृपाल ने चलना है उत्थे नाम की कृपाल की करूगी। उत्थे उही गल होगी ना जो बाबर चढ़ के आया तो उत्थे पंडित की कहते सी भी भाई कुछ ना करो मंत्रां नूं तबाह कर देंगे दी फौजां, ते जदों चढ़ के सिर ते आ गया ना कोई मंत्र चलिया। सो सिक्खी च करामात किवें हुंदी है, करामात शस्त्र ने करनी है, करामात तुहाडे बल ने करनी है, करामात राज करदा है, राज दे करिश्मे है भी जिहड़े साडे सिर ते चढ़ के अज नच रहे ने सवेरे राज आ जाओ तुहाडे पैरां च बैठ जाणगे। राज दे करिश्मे ही हुंदे ने सारा कुछ। राज आया ते महाराज रणजीत सिंह ने गुरुद्वारिया जगीर दे दित्तियां हजारां किले, ते राज गया ते अज वेख लो भी साडी कमेटियां कोल जिन्नी पैली है उहदा माया कित्थे जा रही सानूं पता नहीं लगदा। सो इह राज दी गल है। राज आया अमृतसर साहब दे विच जंग होण लगी सी ते अकाली फूला सिंह विचकार आण के खड़ गया, दोवां धिरां नूं लाणतां पा के मोड़ दित्ता भी गुरू दी नगरी ते जंग लड़ोगे। ते राज गया ते हिंदुस्तान दे टैंक तोपां साडे ते चढ़ के आए ते आण के बिद भी कीती, साडियां लाइब्रेरियां लुट के लै गए, साडा सारा साध लुट के लै गए, साडियां धियां भैणां दी बेबंदी कीती, अठ अठ नौ नौ महीने के जवाकां नूं कंधां नाल चुक चुक पटका के मार दिता। यह राज साडे कोल हुंदा ते कुछ नहीं सी वापरना। सो इस करके जदों इक पुछदा भी राज क्यों चाहिए, इको ही गल करिया करो भी राज करन दा हक सारियां कौमां ने दुनिया के उत्ते, ते उह राज ना करन जिन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा राज बिना नहि धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। राज तो बिना धर्म नहीं चलता, तो धर्म तो बिना साडा की है संसार दे उत्ते। तुसी एक चीज गिणाओ भी जिहड़ी धर्म तो बिना तुहाडे कोल तुहाडा गुजारा चल जाए, जे लोथ ढोई फिरनी है, जे कला शरीर लई फिरना है, जे जलाल दी जिंदगी कटनी है, तो फिर कोई तुहानूं मुश्किल नहीं किसी नूं सानूं। तो जे अणख नाल जीना है, गैरत नाल जीना है, तो फिर धर्म लई तुहानूं संघर्ष करना पैना है। तो जे नहीं करना तो फिर मैं तो पहला ही कहा सी भी हिंदुस्तान की हुकूमत का की मकसद है भी गुरु नानक पातशाह ने जनेऊ पहनने तो इनकार किया सी ते असीं सिखां नूं जनेऊ पाउणा है। ओह सानूं ईसाई क्यों बनाउंदे ने, उहनां नूं पता भी सिख नूं सिद्धा हिंदू नहीं बनाया जा सकता, सिद्धा इन्हें जनेऊ पाउण लई नहीं मनना, पर इहनां नूं पहलां ईसाई बना दिओ, ईसाई बन गए इहनां चों तत खत्म हो जाणा है, तत जिहड़ा जिन्हें लड़ना है। मैं तां ही पुछदा ना ईसाई भरावां नूं भी पंजाब 500 साल दा तां मैं चलो मानदा कहिंदा भी तुहाडे कोल नहीं वसदी गल, इत्थे धर्म नहीं सी तुहाडा, पिछले 70-80 सालां दे विच कोई इक सुका मोर्चा दस दो जिहड़ा तुसीं पंजाब दे हक्कां लई लाया होवे। क्यों? क्योंकि यह तत् केवल सिखां च है। पंजाब दे हक्कां दी गल चली जदों पंजाबी बोली दी गल चली, पंजाब दे पाणियां दी गल चली है, ते सिखां ने डट के हमायत कीती है, ते लहू डोलिया अपना, ते लहू दुश्मन दा भी डोलिया है। ते जिहड़े अज सानूं सवाल करदे ने ना, इत्थे पिछले सवाल होया कि पंजाब दे सांझा है जी, तुसीं कल्ले दावा करदे जो, ते मैं उहनां नूं इह कहा सी भी दावा हुंदा हक जदों आपां जिताउने किसे चीज़ ते, ते जिन्हें संघर्ष किया हक तो वह जिताऊगा। जिन्होंने अपनी माँ बोली छड़ दी लोड़ पैण दे उत्ते, जिन्होंने पंजाब का पानी लुटिया जाए तो वह कहन भी कोई गल नहीं, पानी की करना है जी, साडे घर दी टूटियां च ते आउंदा है, सो वह कहदा हक जिताउणगे पंजाब दे उत्ते। जिहड़े कहिंदे सी एक समा ऐसा सी, अज आपां नूं लगदा है ना भी खालिस्तान की गल करनी, सिख राज की गल करने उत्ते किड्डी पाबंदी है, एक समा ऐसा 47 तों बाद आया पंजाबी सूबा जिंदाबाद कहण ते काका इंदरजीत सिंह नूं वढ के खूह सुट दिता सी। ते जिहड़ा पंजाबी सूबा अज कहिंदे ना पंजाब की शांति तुसीं भंग कर देनी है, साडे ते इल्जाम लाउंदे ने, उहनां नूं मैं सवाल करदा हां जिहड़ा सूबा जिंदाबाद कहण दे उत्ते तुसीं साडे बच्चे वढ के सुटदे, तुहानूं की फर्क पैंदा असीं शांति रखीए जां भंग कर दईए? पंजाब साडा है, असीं इह सूबा लिया है, असीं इहदे लई जेलां भरियां ने, असीं इहदे लई फाहे लगे हां, असीं घर अपने जिहड़े अग लवाईए घरां दे विच, असीं दंगे सहे ने तुहाडे, ते असीं अज पंजाब च शांति रखीए, अशांति रखिए, यह साडा देश है, यह साडा राज है, हैं। ते जे तुसीं चाहुंदे जो, मैं अगे वी कहा सी भी हिंदू नौजवान जिहड़ा है वह मैनूं जिथे मिलदा बड़े प्रेम नाल मिलदा है, ते मैनूं इह बड़ी उम्मीद है भी उहनां अपने पुरखियां वाली गलती नहीं करनी है। इस बार वो पंजाब च जमे पले ने,
उन्होंने 84 तो बाद माहौल वेख्या है, संघर्ष वेख्या है, तो बहुत हिंदू नौजवान तो संतों को अपना अपना मानते हैं भी संत साढ़े हीरो ने, संत साढ़े आइडल ने, तो उन्होंने नौजवानों को पता भी पंजाब ने अकली संघर्ष करना है। सो मैं तो यो ही कहना भी भाई जिहड़ी गलती पुरखे कर लैन ते जिहड़ी गलती करके पुरखिया नूं मेड़े वजदे होण वो गलती असीं दोहराउणी नहीं। ये पंजाब दे हक्कां लई फिर संघर्ष है। असीं हुण मंग रखी भी पंजाब दे विच कोई गैर पंजाबी जमीन ना खरीद सके, ये नहीं कहा भी कोई गैर सिख ना जमीन खरीद सके, ये कहा भी कोई गैर पंजाबी ना जमीन खरीद सके। ते जे सारे पंजाबी कहिंदे भी असीं पंजाब लई फिक्रमंद आ ते सारिआं नूं इस मंग ते खड़े होना चाहिए। जे असीं कहा भी पंजाब दे विच नौकरियां 95% राखवां कोटा करके केवल पंजाबियों नूं मिलण ते इहदे विच इह कल्ली सिखां दी मंग किवें आ? पर हुंदा की है जदों दूजियां कौमां चुप कर जांदियां सानूं संघर्ष लड़ना पैंदा है ते अग्गे जा के संघर्ष असीं दे धर्म तों सिद्ध लै के लड़ना है। इह जिहड़े सवाल करदे सी ना भी तुसीं पंजाब दे हक्कां दे मोर्चे नूं कपूरी दे मोर्चे नूं धर्म युद्ध मोर्चा क्यों बणाता, उह इस करके बणाता भी कपूरी दे मोर्चे ते सारे इकट्ठे होए सी पर जदों डांग फ्री है ते कामरेड भी दौड़ गए बाकी सारे दौड़ गए रह कले सिख गए ते सिखां ने सोचा भी जो संघर्ष ही असीं लड़ना है ते लड़ना भी गुरु तों सीध लै के आ ते फिर कपूरी दा मोर्चा कहदा धर्म युद्ध मोर्चे ही लड़नी धर्म युद्ध ही सानूं लड़ना पै रहा ते पंजाब वसदा गुरां दे नां ते पंजाब गुरां दे नां ते वसदा ते जे पंजाब वसदा गुरां दे नां ते वसदा है ते फिर तुसीं मैनूं इह दसो सारे कहिंदे भी असीं गुरुद्वारे मत्था टेकदे हाँ सारे कहिंदे भी असीं गुरु नूं गुरु मानदे हाँ ते फिर इस गल दा की इतराज़ है भी जे सिख कहण भी धर्म युद्ध लड़ना धर्म युद्ध अक्सर तो इहो ही गल है ना। सब तो वध गिणती च इत्थे तुसीं अमृत संचार च हिस्सा लैणा है। नौजवानों आपां जे हुकूमत ये चाहती है भी साढ़े चेहरे मोहरे साडे माँ प्यो ना दादियां ना साडे गुरु ना ना रहण ते हुकूमत दे आखे लगना असीं कदों दे लग पए? असीं बागियां दी कौम आ सदीव ही असीं बागी रहे हाँ हुकूमत दे जां राज कीता है जां राज की प्राप्ति लई लड़दे आए हाँ ते असीं कदों दे आखे लगन लग पए? हुकूमत ने कहता भी केस दाड़ियां चंगियां नहीं ते असीं मन के मनाउण तुर पए। हुकूमत ने कहता भी पंजाब दे उत्ते साडा कोई दावा नहीं असीं आईलैंड सेंटरां दे विच भर भर के फीसां ते बाहरों तुर पए इत्थे छड्ड के ते जे इत्थों छड्ड के जाणा है ते इत्थे मगरों आण के किहने वसणा? सो जिहड़ा कोई सरदा जिहड़ा घर बार कोई तंगी नहीं वह ये भी कम बंद करो फिर तुम जो बहर भजे जाते जो उ कोई फायदा नहीं। जिहड़ी भटकना इत्थे आ जिहड़ा मनुख गुलाम होवे जिहड़ी कौम गुलाम होवे उस कौम नूं किते संतुष्टि नहीं मिलती। तुसीं कनेडा अमरीका जां ब्रह्मांड दी किसे ऐसी थां ते पहुंच जाओ क्योंकि तुहानूं तंग की करदा सानूं तंग करदा जिहड़ी जलालत साडी हो रही है सानू तंग करता साड़ियां धीआं भैणां दी बेबती हो इंसाफ कोई नहीं मिलिया सानू तंग करता गुरु की बेअदबी हो रही है दिनों दिन ते जे ये इत्थे तंग करता तो कनेडा जाके छड़ जाऊ। ये पदार्थ है जिवें कोई नवीं चीज़ लई है 10-15 दिन जी लगा लैंदा है इस तरीके 10-15 दिन जाके उत्थे बंदा भुल जांदा है उस तों बाद एक नवीं भड़कना शुरू होंदी क्योंकि पदार्थ का बोलबाला उत्थे इत्थे नालों कई गुणा ज़्यादा है। सो इस करके वहन च नहीं वह तुरीदा हुंदा कौम वह बचती है जीउंदी जिहड़ी वहन के उल्ट वे। हुकूमत ने सानू इत्थों कढ़ना चाहिया ते असीं डारां दीआं डारां उड के इत्थों ते इत्थे वे सामना किने सारा कुछ। सो इन्नियां बेनतियां मैं करदियां सन तुसीं वध चढ़ के अमृतधारी होना है भैणां ने भी बीबियां ने भी भैणो तुसीं आप अमृतधारी हो गईआं घर पूरा अमृतधारी हो जू अपने बच्चों के केस रखो। कई भैणां ने अपने बच्चों के लिखे ने कहते केस कतल किए आ भी मैं समझदा भी जिहड़ा बंदा अपनी होशो हवास जवानी च आ गया वह तो बंदा को पाप करे एक बच्चा जिन्हों सोझी नहीं वह पाप असी क्यों कर रहे जे उन्हें गुरु को बतावा देना वड्डा होकर दे दूंगा पर असी बचपन के मूँह सिर बना के तो उन्होंने सिखी ना उदों तोड़ रहे हैं सब तो वड्डा पाप यह आ। सो इस करके सारिआं नूं जिम्मेवारी समझण की लोड़ है जदों कौम गुलाम हो जाए उदों सारिआं दा जीवन ओह जिहा नहीं रहिंदा उदों सानूं बड़ा कुछ बदलना पैंदा। यहूदियां ने 2000 साल मार खाधी है ते अंत नूं नतीजा की कढ़िया कि गुलामी तो बिना दूर करन तो बिना कोई हल नहीं। उन्हां ने रातां दी नींद जिहड़ी सी ओह भी गवा ली उन्होंने बच्चों बार बार ये कहना शुरू किया कि पुत्रों गुलामी है तो गुलामी दूर करनी है तो असी साडा को धी पुत अमृत छकन तुर पवे तो मैनू कोई नौजवान फोन कर दे भी साडी माता यह कहती है भी होर जिथों मर्जी अमृत छक लो अमृतपाल को नहीं छकना भी मैं अमृत कहदा छका रहा अमृत गुरु का है मैं उहदे च की ऐसा पा दिता है। यह अमृत गुरु ने भी खंडे नाल ही छकाया कड़छी नाल नहीं छकाउणा ते खंडे दा अमृत दा अर्थ की है? कोई प्रचारक तुहाडे नाल झूठ बोलता रहे खंडे धार
अमृत पौल का अर्थ यह है कि जो एक खंडा हथ जाए तो तुम बादशाह जो तुसी राजे जो तुसी अपनी सर जमीन के मालिक जो तो एक खंडा इसे करके गुरु ने दिता है। और गुरु ने शस्त्र दे के सानू की करना सी वैसे सोने लगे तो फिर ये शस्त्र लैके जे शस्त्र लैके हथ के मार खाई जानी है तो फिर शस्त्र का की फायदा। सो इन बेनतियां कबूल करो, बोलद्या बहुत भुना चुका हो गया ओदी लिखे मां गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।